सैलरी आए इसके लिए तो मैं पूरी आपके लिए लड़ाई करूंगा। ऑल रिजर्व कैटेगरीज से संबंध रखने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, और ये पिछले 130 दिनों से यहाँ हड़ताल में और अपनी मांगों को लेकर, हड़ताल नहीं कहूँगा, अपनी जस्टिफाइड मांगों को लेकर कश्मीर के अंदर काम करने वाले हमारे जो बहन भाई हैं ऑल रिजर्व कैटेगरी से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे हैं, आज 130 दिन से ये लगातार अपनी मांगें बुलंद कर रहे हैं और इनकी मांगें जस्टिफाइड हैं। चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है वहाँ, ज़िंदगी से प्यारा तो कुछ नहीं ना। और इनकी डिमांड है ट्रांसफ़र पॉलिसी में अमेंडमेंट करके इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत जो कश्मीर के अंदर ऑल रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। सही बोलते हैं, डर खौफ दहशत के माहौल में आदमी सही तरीके से अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज इनके बीच में आया और मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात की है और मैंने माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द सरकार हमारे इन भाइयों का, बहनों का मसला हल करेगी ट्रांसफ़र पॉलिसी, और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि दिवाली और करवा चौथ का व्रत है और आगे दिवाली आ रही है तो हमारे इन भाई बहनों की कुछ सैलरी भी अगर रिलीज़ हो जाए तो इनका भी जो है ये पर्व त्यौहार ठीक से निकले। ये कोई खुशी से यहाँ नहीं बैठे हैं, ये खुशी से नहीं बैठे हैं, ये तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं। 15 साल इन्होंने वहाँ सर्विस की है ना, 15 साल की है। इनको आप करगिल भेजो, ले भेजो, संस्कार भेजो, ये जाएंगे, लेकिन गोली सीने पर लगे तो डर और दहशत खौफ का मंजर बनता है, इसलिए इनका ख्याल रखना हमारा काम है। मैंने एलजी साहब से बात की है और मुझे यकीन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ट्रांसफ़र पॉलिसी ऑल रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ जो कश्मीर में काम करते हैं उनके लिए यकीनन बनेगी।